तुम मेरा केस ठीक से नहीं लग रहे हो लालू। You can't even get me out on bail। तो तुम कोई दूसरा वकील क्यों नहीं कर लेते? तुम तो यही चाहते हो। तुम क्या समझते हो कि दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें फीस नहीं दूंगा? शट अप दमन। तुम तो कह रहे थे कि दूसरी पेशी में जमानत हो जाएगी। कहाँ हुई है जमानत? तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। वहाँ अदालत में तुमने इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया और उसके बाद यही उम्मीद रखते हो कि तुम्हारी जमानत हो जाएगी? अरे शुक्र करो कि जज ने तुम्हें पागल खाने नहीं भिजवा दिया। मैंने क्या किया? मैं रीना से बात करना चाहता हूँ। वहाँ भरी अदालत में? अरे जब वो तुमसे बात करना ही नहीं चाहती तो तुम क्या जबरदस्ती बात करोगे उससे? किससे बात करेगी वो? अपने बच्चे के हत्यारे से? शट अप। शट अप। आई वोंट टेक दिस शिट फ्रॉम यू। मैं अपने बच्चे का हत्यारा नहीं हूं। इज इट क्लियर टू यू? इज इट क्लियर टू यू? काम डाउन दमन। अरे तुम मेरे दोस्त हो, मेरे वकील हो और तुम भी ऐसा सोचते हो? कौन नहीं सोचेगा ये सब? लुक एट यूर बिहेवियर। तुम अपनी पत्नी को मारते हो, पीटते हो, इज इट नॉट ट्रू? वो मेरे और रीमा के बीच की बात है। ये कहने से तुम्हारा अपराध कम नहीं होता दमन। तुम कहते हो कि तुमने अपनी बीवी को सीढ़ियों से धक्का नहीं दिया। कौन मानेगा ये सब? रीमा घर छोड़कर जा रही थी, तुम्हारे सिर पर जुनून सवार था, तुमने उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया होगा। I'm not an animal. मैं कातिल नहीं हूं। You look like one in the court. अरे जज ने तो केस शुरू होने से पहले ही अपना फैसला लिख दिया होगा। What do you mean? तुमने मेरा काम बहुत मुश्किल कर दिया है तमन। झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। पता नहीं रीमा ये सब क्यों कर रही है। वो अपने पेरेंट्स के बहकावे में आ गई। नहीं दमन, रीमा किसी के बहकावे में नहीं आई। शी इज कन्विंस दैट तुम ही उसके बच्चे की मौत के जिम्मेदार हो। हाउ कैन यू से दैट? मैं रीमा से मिलने गया था दमन। तुम? हाँ, तुम्हारी खातिर। उससे प्रार्थना करने के वो अपना केस वापस ले ले। क्या कहा उसने? She is not ready. Thank you.